That's what we miss the most about Shahrukh Khan, his comeback. और कितने कमबैक करूंगा, कर दूं यार। तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल पा रही, और जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा है वैसे वैसे मैं वीडियोस बना देता हूं। लेकिन भाई, यहां पे मुझसे रहा नहीं गया। ओह भाई, क्या कह दिया ये शाहरुख खान साहब ने। देखो भाई, शाहरुख खान का यहाँ पे जो अंदाज मैंने कहा था ना, देखो भाई, यहाँ पे शाहरुख खान का जो अंदाज़ है ना, वो काफ़ी निराला है। और यहाँ पे हर एक की जो नज़र है ना, वो सीधा भाई शाहरुख खान के ऊपर, और शाहरुख खान की आने वाली मूवी किंग के ऊपर है। जो हेटर्स हैं वो भी, और जो यहाँ पे फैंस हैं वो भी। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या। देखो, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आईफा अवार्ड का यहाँ पे भाई जो है सारा का सारा सीन चल रहा है। पूरा ट्विटर यहाँ पे आईफा अवार्ड से भरा पड़ा है, जिसमें शाहिद कपूर, शाहरुख खान, विक्की कौशल एंड बड़े बड़े जो स्टार्स हैं भाई, वो सारे के सारे, अरशद वारसी, ये सब हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इनकी वीडियोज़ अपने अपने जो तरीके से इन्होंने जो बोला है, उस चीज़ को ये रिकवर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना, हर बार जो ट्विटर पे शाहरुख खान आगे जो आस्क SRK करते हैं, तो भाई यहाँ पे अब कुछ और ही नया कर दिया है। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे करण जौहर एंड शाहरुख खान स्टेज पे खड़े थे, और सामने पब्लिक थी, चकाचक पूरी भरी पड़ी थी। और किसके ऊपर नजरें थी, सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर यानी कि शाहरुख खान साहब के ऊपर। तो पूरी पब्लिक भाई वहाँ पे, बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े डायरेक्टर, बड़े से बड़े हीरोइंस सभी वहाँ पर मौजूद थे। सबकी नज़रें शाहरुख खान के ऊपर थी, और शाहरुख खान क्या कहने वाले उनके ऊपर थी। तो यहाँ पे ना क्या हुआ, यहाँ पे करण जौहर साहब देखो ऐसा है कि भाई वो जो है ना, कहीं पर भी खड़े होकर ऐसे ऐसे सवाल जवाब करते हैं कि उसका आंसर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे शाहरुख खान ने अपने अंदाज में इतने बेहतरीन तरीके से इस बात का खुलासा किया और इस बात को बोला कि भाई काबिले तारीफ है। तो यहाँ पे करण जौहर ने शाहरुख खान से सबसे पहले पूछा कि चलो आप ये बताओ कि आप जो है शादियों में पहले डांस करते थे, तो अब आपने शादियों में जाना और डांस करना क्यों बंद कर दिया, यानी कि शादियों में जो स्पॉन्सरशिप होती थी इनकी, वो इन्होंने बंद कर दिए। तो यहाँ पे शाहरुख खान कहते हैं कि देखो, पहले मैं जो था वो दामाद के उम्र का था उन लोगों की, लेकिन अभी मैं ससुर की उम्र का हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो पब्लिक थी भाई, वो यहाँ पे हंस पड़ी। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अब आपकी जो अगली फिल्म है वो कौन सी होने वाली है और किस पे होने वाली है। तो यहाँ पे शाहरुख खान बोलते हैं, मैं एक्चुअली बायोपिक कर रहा हूँ। बायोपिक कर रहा हूँ किसकी, क्या अपनी खुद की? अच्छा, वो कैसे? तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक अपने ऊपर ही एक मूवी बना रहा हूँ जिसका नाम है किंग। तो यहाँ पे जैसे किंग का नाम आया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक उछल गई। और यहाँ पे इनडायरेक्टली शाहरुख खान ने वो सब कह दिया जो हम यहाँ पे सुनना चाहते थे। और ये पहली बार है कि शाहरुख खान ने अपने मुंह से खुद बोला है कि मैं किंग मूवी बना रहा हूँ, पहली बार है, और आईफा अवार्ड में ये बात का खुलासा हो गया। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी अनाउंसमेंट और क्या होगी। शाहरुख खान ने खुद अपने मुँह से बोल दिया है कि किंग मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब 2 नवंबर का या फिर किसी भी उसका इंतज़ार करना मुझे नहीं लगता फैंस के लिए और मेकर्स के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखो, वो बात एक अलग है कि 2 नवंबर को एक छोटा सा इसका टीज़र आ जाए, वो एक टीज़र की शक्ल में हो जाएगा। लेकिन जब शाहरुख खान ने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि हाँ भाई किंग मैं बना रहा हूँ, और टाइटल भी उन्होंने बोल दिया, टाइटल भी वो खुद बोल रहे हैं कि इस मूवी का टाइटल है किंग, और खुद की बायोपिक वो बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ना चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं पब्लिक में। अभी इस टाइम पे यही बना हुआ है, पूरे ट्विटर पे यही सब चीज़ें फैली हुई हैं। भाई शाहरुख खान ने खुद अपने मुंह से बोल दिया। इससे पहले सिर्फ हमने एक स्क्रिप्ट देखी थी शाहरुख खान के पास में रखी थी, जिसके सबसे ऊपर पेज पे लिखा था किंग उस टाइम पे। लेकिन यह था कि चलो एक ऑफिशियली तरीके से यहाँ पे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब ऑफिशियली शाहरुख खान ने खुद ही बोल दिया, तो भाई यहाँ पे चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे जो मूवी का टाइटल है ना, तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि मूवी का जो टाइटल है वो अब किंग ही है और अब कुछ नहीं होना। तो ये तो कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पे जितने भी फैंस हैं वो, उनके मन में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी कि भाई आगे जाके इसका कुछ टाइटल वगैरह चेंज हो, पता नहीं मूवी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, शूटिंग नहीं शुरू हो रही है, क्यों शुरू नहीं हो रही है। देखो, सब लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे अटकलें लगा ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब शाहरुख खान ने बोल दिया तो चीज़ें फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। नीचे कॉमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। एज अ मेंबर ऑफ द मीडिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी अगली फिल्म क्या है? क्या मैं अगली फिल्म बात भी कर रहा हूं? वाओ, किसकी? खुद की। तो टाइटल है किंग। किंग तो क्वीन कौन होगा? तुझे आना तो आ जाए।
मुझे मैंने क्या निकाला आपका चल चल।